सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज मैं और एक नया लेसन लाया हूँ जो कि ज्योग्राफी का है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो नाम बड़ा है लेकिन इसमें सब आंसर छुप गए। तो फर्स्ट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लैंड है तो लैंड का पढ़ते हैं। तो जो लैंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या, जो हमारे जरूरतें होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स है लैंड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लैंड है वो 30% अर्थ को कवर करता है। तो बहुत कम है, जो भी लिथोस्फीयर हमारे पास है जो लैंड एरिया है वो 30% है। ऑल पार्ट ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। तो बहुत सी ऐसी जगह है जो कि हैबिटेबल नहीं है। लैंड तो है हमारे पास, जैसे ठंडे एरिया में नॉर्थन हेमस्फीयर साउथर्न हेमस्फीयर, वहां पर हम कम रह सकते, ज्यादा नहीं रह सकते। वो बहुत जगह बिक जाती है, डेजर्ट जैसे कि सहारा डेजर्ट, इतना बड़ा डेजर्ट है, इतना बड़ा लैंड है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, ना उस पर हम माइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है वहां पर। इसलिए बहुत सी जगह हैबिटेबल नहीं है। सहारा डेजर्ट में आप रह सकते क्या, बिना पानी के बिना पेड़ों के? नहीं रह सकते। तो अब हम देखते हैं लैंड यूज, लैंड किस तरह से यूज कर सकते हैं हम। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हम खेती करते हैं वो हम लिथोस्फीयर पे ही करते हैं। फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग द हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, जो भी मतलब हमारे जितने भी काम है वो हम जमीन पे ही करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ और जो भी है वो जमीन पर ही है। तो अब हम देखते हैं लैंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन है उसके, देखो। अब ये जो है लैंड यूज, उसे दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है, एक तो फिजिकल और एक ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में जैसे टोपोग्राफी मीन्स जो भी हम खेती वगैरह करते हैं, वैसी जमीन और सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गए नेचुरल चीजें जिस पर हम नेचुरली काम करते हैं। और अब ह्यूमन ने जो चीजें बनाई है ना जमीन पर, वो सच एज पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है वो जमीन पर ही होती है। और टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे बिल्डिंग फैक्ट्रीज वगैरह है वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, तो जो लैंड कम हो रहा है धीरे धीरे उसे हम कैसे बचाए। 30% है, उसमें से भी बहुत सारा लैंड हम रह नहीं सकते वहां पर, तो वो जानते हैं। ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर अ एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। तो अब ये देखिए, जो लैंड है वो बहुत जल्दी कम हो रहा है, और वो है ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और पॉपुलेशन के साथ उनकी बढ़ती हुई डिमांड्स, जैसे अब यहाँ पर फैक्ट्री बन रहे बहुत सारे और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे लैंड को पूरा कवर कर रहा है, जिससे हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, एग्रीकल्चर के लिए जगह नहीं मिल रही। तो इसे कंजर्व कैसा करना है वो से देखते हैं। तो फर्स्ट अफॉरेस्टेशन, तो हम जितना पेड़ों को काटेंगे उतनी लैंड कम होते जाएगा, वो कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको। लैंड रिक्लेमेशन, जो भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट है वो हम इनहैबिटेबल जगह पर बनाएंगे तो वहां पर थोड़ी हैबिटेबल प्लेस पैदा होगी, वहां पर पानी आएगा। और जो मुंबई शहर है वो आपको पता ही होगा कि वो पानी को ढकेल कर उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए हैं। मींस वो पानी को ऐसे नहीं ढकेल रहे, वो अपने प्रोजेक्ट जारी रख रहे, पानी का उन्हें कोई डर नहीं, तो वो बनाते जा रहे जिससे वो इतना बड़ा शहर बन गया। और रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड तो एंड फर्टिलाइजर, तो अब जो भी हमारे पास जमीन बची है उसको भी वो फर्टिलाइजर डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के वो उपजाऊ जमीन को वो खराब कर रहे हैं। वो एक बार तो उग जाएंगे फिर वो जमीन खराब हो जाएगी, केमिकल से उगेगी वो। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, अब जो गाय होती है वो घास चरती है ना, वो तो घास खाती है ना, तो उसके साथ जो सॉइल की ऊपर की लेयर होती है वो भी उठा लेती है, जो फर्टाइल सॉइल होता है उसको भी वो उठाकर खा लेती है, वो जड़ से उठाती है।
तो इसको ओवर ग्रेजिंग हम कैसे रुका सकते कि एक पर्टिकुलर प्लेस देनी चाहिए, उतनी जगह में खाओ और फिर से होगा। तो ओवर ग्रेजिंग को भी चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो अब आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स समझ गया होगा, और मैंने आपको बताया था अफॉरेस्टेशन समझाऊंगा, तो अभी हम लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ जाएगा। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक अर्थ स्लोप डाउन अ स्लोप। तो जो लैंडस्लाइड होता है वो क्या होता है, अब ये माउंटेन है तो ये किसके वजह से होता है वो भी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं, ये जो रॉक्स पार्टिकल्स है या फिर सॉइल है वो नीचे फिसल जाती है। अब इससे रोड ब्लॉक हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, रिवर स्टॉप हो सकती है जिससे फ्लड आ सकता है, तो इसे लैंडस्लाइड कहते हैं। अब ये किससे होता है, अर्थक्वेक से होता है, फ्लड से होता है एंड वॉल्केनो इरप्शन से होता है। लैंडस्लाइड इन तीन चीजों से होता है। तो अब जानते हैं लैंडस्लाइड होने से नुकसान को कैसे बचाएं। तो मिटिग्रेशन मैकेनिज्म, तो कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं। हजार्ड मैपिंग लोकेट द एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड हिंस सच एज एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। तो हमें उस जगह पर बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं करने चाहिए जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, जैसे कि माउंटेन के पास बिल्डिंग्स नहीं बनाने चाहिए जिससे नुकसान कम होगा। अब नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेटेशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो अब ये जो माउंटेन है यहाँ पर हम वॉल बना सकते हैं, जो कि ये रॉक सॉइल वगैरह है वो वॉल रोक लेंगी जिससे कम नुकसान होगा, नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर द अरेस्ट लैंडस्लाइड। तो अब मैंने अफॉरेस्टेशन समझाऊंगा बोला था, वो क्या होता है, जितने हम पेड़ कम काटेंगे उतनी जमीन हमारी बची रहेंगी। अब कैसे, ये जमीन है, अब यहाँ पर हम पेड़ लगाएंगे, ये एक पेड़ देख लीजिए आप। अब इसके जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़े रखेंगे जिससे वो पानी, ये पानी है उसे मिक्स नहीं होंगे, सॉइल या जमीन पे सॉइल पकड़े रखेगा, सॉरी पेड़ सॉइल को पकड़े रखेंगे जिससे वो पानी में मिक्स नहीं होते जाएंगे। तो अफॉरेस्टेशन तो हो गया, अब लैंडस्लाइड का क्या काम है मीन्स अफॉरेस्टेशन से। तो हम जितने पेड़ लगाएंगे वो सॉइल को पकड़े रखेगा, तो कितनी भी बारिश हो, फ्लड अर्थक्वेक हो, तो वो जो मिट्टी है वो नीचे नहीं आएगी पेड़ के द्वारा, उसे अभी पेड़ नहीं होंगे तो उसे कोई पकड़ के नहीं रखेगा, वो ऐसे ही बिछा रखी है वहां पर, तो पानी आने से वो नीचे गिर जाएगी, हवा आने से भी नीचे गिर सकती है। तो पेड़ लगाएंगे तो उसे पकड़े रखेंगे उसके रूट, जिससे लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो अब हमारा लैंड तो हो गया, अब हम जानते हैं सॉइल। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। थिन लेयर ऑफ सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो थिन लेयर सब्सटेंस की होती है वो अर्थ को कवर करती है, उसे ही सॉइल कहते हैं। अब सॉइल के फोर लेयर्स होते हैं, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सब सॉइल विद सैंड स्लीट क्ले, थिन थर्ड लेयर विद रॉक मटेरियल और फोर्थ लेयर पैरेंट रॉक। तो एक बार आप डायग्राम में देख लीजिए सॉइल के फोर लेयर्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट पैरेंट रॉक और बीच में वो क्ले सॉइल वगैरह। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो अब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो नॉर्मली क्या है, सॉइल बनता कैसे, तो दो मेन रीजन है जो कि पैरेंट मेजर फैक्टर्स, पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। जो क्लाइमेट के लिए रेन होता है और हवा आती है, फ्लड आता है, वो भी एक रीजन है सॉइल फॉर्मेशन का, और एक रीजन पैरेंट रॉक और अदर जो छोटे छोटे फैक्टर है जैसे टोपोग्राफी, ये भी एक रीजन है पैरेंट सॉरी सॉइल फॉर्मेशन का। तो अब हम देखते हैं कि सॉइल डिग्रेड कैसे होता है, कम कैसे होता है, और उसे वो कम होने से हम कैसे बताएं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वो भी हम देखेंगे। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन बी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो मीन्स
बोथ ह्यूमंस और नेचुरल, नेचुरल जो होता है वो दोनों रीजन सॉइल डिग्रेडेशन के लिए है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। तो अब डिफॉरेस्टेशन क्या, अगर हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना वो जो सॉइल है पेड़ उसे पकड़ के रखेंगे, जिससे पानी के साथ सॉइल मिक्स नहीं होगी। और ओवर ग्रेजिंग, जो गाय घास चरती है वो उसे एक स्पेसिफिक जगह देनी चाहिए, उसी जगह में गाय घास खानी चाहिए। अगर वो ज्यादा जगह लेगी तो सॉइल की वो ऊपर की फर्टी अच्छी सॉइल को भी वो खा लेती है, जिससे सॉइल खराब होती है। और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, तो जितना भी हम कम यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का उतना अच्छा है, उतनी सॉइल जगह हमारे लिए ज्यादा बचेगी। अब आप बोलोगे कि सॉइल जगह खराब भी हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहां पर गर्मी पैदा होगी, जैसे कि सहारा डेजर्ट, इतने बड़े डेजर्ट में हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत है। लैंड तो है लेकिन कुछ है क्या वहां पर, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे भी सॉइल खराब होगी। लैंडस्लाइड एंड फ्लड, तो लैंडस्लाइड ये तो नेचुरल डिजीज है, ये लैंडस्लाइड नेचुरली होता है, फ्लड भी नेचुरली आता है। तो लेकिन लैंडस्लाइड को हम बचा रोक सकते हैं कैसे, एक तो रोटेशनल वॉल खड़ी कर उस जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है वहां पर वॉल खड़ी कर या पर या फिर वहां पर पेड़ लगा, जितने पेड़ लगाएंगे उतना वो सॉइल को पकड़े रखेगा। तो अब आपको डिग्रेडेशन कैसे होता है वो भी पता चल गया होगा। अगर आपको कंजर्वेशन सॉइल के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा।